हाय फ्रेंड्स, मैं अनिल चौधरी, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज जो है मेरे पास रेडमी फोर, सिर्फ फोर रेडमी फोर, जो 23 तारीख को सेल था और 8 मिनट में वो 2.5 लाख फोन बिक गया। ये फोन तो मैंने उस दिन ऑर्डर किया था, तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग कर लेते और देख लेते फर्स्ट लुक इसका। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं जो अनबॉक्सिंग। तो बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर फोर लिखा है और यहाँ पर रेडमी फोर भी लिखा गया है। और ये जो मॉडल है मेरा 32 GB वेरियंट, मतलब इसमें 3 3 GB का जो रैम दिया गया है और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो चलिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेसिफिकेशंस कुछ दिया गया है, स्नैपड्रैगन 430 ऑक्टा कोर प्रोसेसर वगैरह वगैरह दिया गया है, फिंगरप्रिंट सेंसर है और MIUI 8, मतलब MIUI बेस पे ऊपर चलता है एंड्रॉयड के ऊपर, और 4000 mAh बैटरी है और 13 MP रियर कैमरा और 5 MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। तो ये सब लिखा गया है। सील को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है डू नॉट एक्सेप्ट इफ सील इज ब्रोकन, तो ठीक ठाक ही है मतलब। तो इसको ओपन कर लेते हैं। और ये आ गया जो रेडमी का फोर, तो फोन को एक बार के लिए साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पर कुछ मैनुअल्स दिया गया है, इंफॉर्मेशन, हैंडसेट वारंटी वगैरह जो सब यहाँ पर लिखा गया है, हम देख सकते हैं। उसके बाद जो है रेडमी फोर करके एक दिया गया है, एक उसमें उसके अंदर कुछ शायद नहीं, ये भी वो मैनुअल है। तो यहाँ पर लिखा गया है सिम ड्रे के कैसे यूज़ करना है, MIUI कौन सा है, ये सब लिखा गया है। तो उसके बाद पैकेट में थोड़ा सा मुझे लगता है चेंजेस किया गया है यहाँ पर। तो पहले इसके अंदर ही एक सिम इजेक्टर पिन रहता था, तो यहाँ पर अब पैकेट के अंदर दिया गया है सिम इजेक्टर टूल। और ये जो है USB केबल आपको दिया गया है चार्जिंग के लिए और डेटा सिंकिंग के लिए। और ये जो है चार्जर, तो ये जो है चार्जर, तो हालांकि ये फास्ट चार्जिंग देख लेते हैं सपोर्ट करता है या 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का ये जो चार्जर है तो मिलता है आपका फ़ोन के साथ, जो सभी रेडमी में मिलता है आपको। तो ये आ गया आपका रेडमी का फोर। तो ये जो फ्रंट कैमरा है 5 MP का, और ये इसमें जो सेंसर दिया गया है, और ऊपर की तरफ जो आपको आयर ब्लास्टर मिलता है और सेकेंडरी माइक मिलता है आपको, और ये जो हेडफोन का जैक, तो अभी भी हेडफोन का जैक मिल रहा है, सही बात है यार। और बैक में आपको मिलता है 13 MP कैमरा विथ फ्लैश। तो यहाँ पर एंटेना बैंड्स कुछ चेंज किया गया है डिज़ाइन में। और ये जो आपको मिलता है एक फिंगरप्रिंट सेंसर, तो वार्निंग वगैरह ये सब जो दिया गया है, मतलब सिम फोन को मत खोलिए वगैरह वगैरह। तो उसके नीचे आ जाता है आपका MI का लोगो, तो शानदार फ़ोन लग रहा है मुझे देखने में। और नीचे आपको जो मिल जाता है, एक मुझे लगता है ये जो होगा स्पीकर और ये माइक होगा बात करने के लिए, और आपका चार्जिंग के लिए पोर्ट और डेटा सिंकिंग के लिए। और इस हेड में कुछ इस साइड में है सिम इजेक्टर टूल मिलता है आपको, तो सिम इजेक्टर टूल देखते हैं सिम को खोल के। तो ये जो है एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है, तो इसमें एक सिम और एक आप माइक्रो एसडी लगा सकते हैं या दोनों ही सिम लगा सकते हैं, तो ठीक ठाक ही है वो, तो सभी रेडमी फ़ोन में ऐसा ही आता है। तो फ़ोन को एक बार ऑन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो बहुत ही फर्स्ट जो है, मतलब फिंगरप्रिंट लग रहा है मुझे, तो रेडमी का ऐसा ही रहता है। तो इसमें कुछ नया सा लगा मुझे, और थिन जो यही ठीक है। सेटअप कंप्लीट, यू आर रेडी टू रॉक, ओके, लोडिंग ऐप। तो देखने में फ़ोन बहुत ही अच्छा मुझे लगा। तो रेडमी का मतलब ऐसा होता है कि जो फ़ोन, मतलब ठीक है प्राइस, ठीक है ठीक ठाक है प्राइस, मतलब फ़ोन इतना स्लिम नहीं होता, तो मुझे ये फ़ोन बहुत ही स्लिम लग रहा है। मतलब 10,000 के अंदर ये फ़ोन बहुत ही, मतलब रेडमी जो प्राइस ब्रैकेट में फ़ोन लेता है उसके अंदर तो कोई फ़ोन, मुझे तो नहीं लगता इतना अच्छा कोई फ़ोन बनाता भी होगा यार, और जो इस प्राइस फोन में देता भी होगा वो फ़ोन। तो यहाँ पर आपको
ये। और एक बात, जो आपको 2.5D ग्लास मिलता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक मिनट, थोड़ा फोकस का इशू आ रहा है यहाँ पर लाइटिंग की वजह से। तो आपको यहाँ पर 2.5D ग्लास मिलता है, तो जल्दी से ये लोड हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर, मतलब इंटरफेस कैसा है फ़ोन का। तो ये खुल गया फ़ोन, मतलब रेडी हो गया। तो ऐसा कुछ आपको मिलता है देखने के लिए। और ये जो मोबाइल डेटा फ़िलहाल के लिए बंद है क्योंकि सिम मैंने सेट नहीं किया है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं टॉर्च वगैरह सभी है जिसमें। और फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स। तो इस प्राइस पॉइंट में मुझे बहुत ही अच्छा, मैं दिल से बोलता हूँ कि फ़ोन का जो डिज़ाइन है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे नोट 4 का डिज़ाइन उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि फ़ोन बड़ा है। तो ये 5.2 जो इसका ग्लास है, 2.5D कर्व जो ग्लास है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस फ़ोन का। तो आप डेफिनेटली इस प्राइस पॉइंट में इस फोन को ले सकते हैं। तो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड हेल्प मी।